सो वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और दो तीन काफी इंटरेस्टिंग जो है वो न्यूज आ रही है उसके ऊपर जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं uh, सबसे पहले तो भाई बेनजिमा बेजिमा इज लुकिंग टू गेट आउट ऑफ सऊदी एंड एन इतिहादिंग न्यूज क्योंकि जो मैनेजर है नूनो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नूनो नेवर वॉन्टेड करीम बेनजिमा और उनके प्लेइंग स्टाइल के अंदर जो है वो फिट नहीं होते विच इज लाइक मतलब बेंजेमा कौन से प्लेइंग स्टाइल में फिट नहीं हो सकते इज एब्सोल्युटली मतलब शॉकिंग है मेरे लिए कि बेंजेमा हु कैन हु इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो बॉक्स के अंदर रहते हैं वो डीप आते हैं लिंक अप प्ले करते हैं वो वाइड जा सकते हैं की एज एब्सोल्युटली एवरी ट्रेड ठीक है जो कि एक नंबर नाइन के अंदर होना चाहिए एक फॉल्स नाइन की यही पोजिशन है ना और कौन सी पोजिशन इन्वेंट करनी है भाई नूनो तुमने जिसके अंदर बेनजिमा फिट नहीं होते कौन सी तुम्हारी एक बहुत वर्ल्ड क्लास फुटबॉल है जिसके अंदर बेनजिमा जैसा प्लेयर फिट नहीं होता ठीक है तो रिपोर्ट्स ये नहीं आ रही कि बाद में मसला हुआ है रिपोर्ट ये आ रही है कि मसला तो है लेकिन उससे पहले का जो है वो चाहते ही नहीं थे नूनो कि उनके सिस्टम में फिट नहीं होते तो इट इज एब्सोल्युटली मतलब बुलशिट टू तो बी वेरी ऑनेस्ट के बेन्मा जैसा प्लेयर जो कि फॉल्स नाइन भी खेल सकता है मतलब कंप्लीट स्ट्राइक कराएगा वो किसी सिस्टम के अंदर फिट ना हो दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम मी और आई डोंट नो नू नू इस वजह से जो है वो बार-बार सैक होते हैं इसी तरह से वो स्पर्स के अंदर उनके लग गए थे और वो कह रहे थे कैप्टन आर्मबैंड उनको मिले तो भाई और किसको देना तुमने कैप्टन आर्मबैंड अभी सऊदी लीग शुरू हुई है इतनी बड़ी साइनिंग की है वो कह रहा है तो कैप्टन आर्मबैंड दे दो तो दे दो भाई उसको तो खैर आई नो कि मैनेजर अथॉरिटी होता है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए लेकिन इस तरह के स्टूपेड स्टेटमेंट्स जब आती है ना जब स्टूपेड चीजें रिपोर्ट होती हैं कि भाई वो सिस्टम में फिट नहीं होते जबकि सारी दुनिया ने देखा है कि बेनजिमा किसी भी सिस्टम के अंदर फिट हो जाते हैं जब अपोजिशन बेस्ड फुटबॉल खेले तब भी वो फिट होते हैं बिकॉज ही इज ब्रिलियंट ऑन द बॉल जब आप काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले तो तब भी वो फिट होते हैं बिकॉज उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट भी ब्रिलियंट है तो यार आई डोंट नो कैन वी सी बेन्जिमा कमिंग बैक टू यूरोप आई डोंट नो आप लोग बताए कमेंट सेक्शन में अगर वो यूरोप वापस आएंगे तो किस टीम में वापस आएंगे मे बी एन ईयर फॉर वेटिंग फॉर एनअर ईयर वॉर के लिए नो राइट तो देखते हैं कि इस पर क्या होता है सेकेंड जो न्यूज है और ऑब्बियसली के यूएस ओपन जो टेनिस हो रही है यूएसए के अंदर उसके फाइनल के अंदर जो है वो मैसी पहुंच चुके हुए हैं और अगेन द सेम स्टोरी अगेन द गोड डूइंग थिंग्स पहले उन्होंने कप जीता अब इस टूर्नामेंट के के फाइनल के अंदर पहुंच चुके हुए हैं यार ऐसा लग रहा है कि एक हॉलीवुड या नहीं हॉलीवुड भी नहीं बॉलीवुड स्क्रिप्ट है अब भाई टू जीरो मेसी के थे फिर थ्री टू कर दिया फिर थ्री थ्री हो गया फिर पेनल्टीज एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टीज और फिर वहां पर इंटरम्यामी जीत गई चलो, I know, USA है, ये सारी हम ऑलरेडी जो है बट दिसंट और इट इज ब्रिलियंट टू वॉच यारैचेस देखने के लिए तो आपका टाइम जया नहीं होता यू आर एप्सोल्यूटली थ्रिल्ड राइट ये मैचेस देख के तो यार मतलब आई एम हैप्पी फॉर मेसी और बेहतरीन सिर्स मतलब कहां पे उन्होंने बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम पे जाकर सिर्स गया पिन पॉइंट बॉल पहली वाले गोल के अंदर भी पिन पॉइंट बॉल थी जहां पे टू वन हुआ था आई थिंक मेसी इज बॉलिंग एंड आई थिंक ही विल विल आई थिंक ही फाइनलो uh, जो कि टेनिस का यूएस ओपन <laughs> का फाइनल है तो वो जीत जाएंगे नहीं सॉकर नहीं सॉरी नहीं, नहीं, फुटबॉल का है तो यार, यार। मैं और क्या बात कहूँ जैसे मैं कह रहा हूँ अपने इंटरव्यूज के अंदर भी ये कह चुके हुए हैं और अभी रिसेंटली कल भी उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट रिलीज हुई थी दैट ही इज वेरी हैप्पी और वेन मेस इज है Messi, Messi, जो कर रहे हैं फुटबॉल अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर खेल रहे हैं कोई प्रेशर नहीं है no pressure, तो, मतलब, ये यूएस ओपन है और उसके बाद आई थिंक एमएलएस है तो जीतेगी उसके बाद इंटर मियामी तो वो भी जब होगा तो देखेंगे क्या, क्या, क्या चल रहा है वहां पे तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट जो है वो मैसी और मियामी का वो एमएलएस ही होगा तो फाइनल जब आएगा तो फाइनल के ऊपर बात करेंगे लास्टली बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो कंसेलो की न्यूज चल रही है अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि भाई कंसेलो हो क्यों नहीं पा रहा आई थिंक एवरीथिंग इज डन एज पर रिपोर्ट सारी निगोशिएशन और सारी चीजें हो चुकी हैं बिटवीन सिटी आई थिंक का बाय ऑप्शन है मैंडेटरी क्लॉज नहीं है तो दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ आई थिंक जो डिले आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या बारसा की साइड पे प्लेयर रजिस्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बिकॉज इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज आप याद रखें और तक रजिस्टर नहीं हुए तो अगर आप निगोशिएट कर देते हैं वो मेडिकल के लिए आ जाते हैं उससे सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा किसी किसी डिपार्चर से डेस्ट जा चुकी हैं लंगले अभी तक नहीं गए किसी ना किसी तरीके से डिपार्चर आपको करके ये मेक श्योर sure करने पड़ेगा या फिर लेटर ऑफ फ्रीडम देना पड़ेगा लंगले को कि भाई आप प्लेयर्स रजिस्टर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द सिचुएशन और मैं हर बार कहता हूं कि साइनिंग करना निगोशिएट करना वो सब कुछ हो जाता है जितने भी प्लेयर्स रहे हैं अभी हमने जितनी भी बात की उनका मेन इश्यू यही है कि रजिस्ट्रेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और कंसेलो का भी यही अभी तक जिसकी वजह से डील थोड़ी स्टॉल हुई हुई है वो सिटी की साइड से नहीं है वो निगोशिएटिंग फैक्टर नहीं है सब कुछ है मतलब हो चुका हुआ है इट्स जस्ट अबाउट की बारसा प्लेयर वेट कर रहे हैं कि बारसा उनको रजिस्टर जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा आई थिंक ही विल फ्लाई आई थिंक ही विल मोस्ट प्रोबेबली फ्लाई टूडे और जो है वो ये डील जो है वो हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी बारसा विल फाइंड अ वे आउट But there is a lot to do. Uh आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि कंसालो ही बारसा जो है वो सिर्फ साइन कर पाएगी हीस की न्यूज चल रही है बट जॉब विल्स की न्यूज मर ने कहा है कि भाई ही हैज अ फीलिंग बारसा भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए बहुत कुछ होना जैसे मैंने आपको बताया ना लंगले का काम होना बहुत जरूरी है फिर एक प्लेयर सेल होना वो क्या आप दे होंगे आप, 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 आप दे बिल्कुल रूल आउट हो चुके हुए एज पर लेटेस्ट न्यूज के वो रुकेंगे रुकेंगे तो फिर और कौन सा प्लेयर है वो फाटी है अब ये भी हो रहा था कि फाटी के अब्बा जी जो है वो ही इज फ्लाइंग टू